और जॉब छोड़े हुए मुझे हो गए हैं 4 महीने। जस्ट रिसेशन के पहले छोड़ा था और अभी आ गया है रिसेशन, तो इंटरेस्टिंग है काफ़ी। जॉब छोड़ी थी इसलिए कि मैं यूट्यूब पे कुछ बना सकूं, यूट्यूब पे अपना कैरियर बना सकूं और ये जो बार बार जॉब आपका चक्कर है वो खत्म कर सकूं। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि 3 महीने हो गए, चौथा महीना चल रहा है, अभी तक यूट्यूब पे कुछ हुआ नहीं है, लाइक वो ग्रोथ नहीं मिली जो चाहिए थी। 300 सब्सक्राइबर थे जहाँ से मैंने शुरू किया था, आज 700 सब्सक्राइबर तक पहुँच पाया हूँ, बट वो ग्रोथ 4 महीने में इतनी काफ़ी नहीं है क्योंकि आपको ही पता है सब्सक्राइबर चाहिए 1000 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। जब मैंने शुरू किया था तब थे। दोस्त ये कोई ज़्यादा हैवीली एडिटेड वीडियो नहीं होगा, बस एक जनरल टॉक है, आप लोगों के साथ बात करनी है मुझे, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 200 घंटे का वॉच टाइम था, अभी 1000 घंटे का वॉच टाइम है, लेकिन आपको पता है अगेन 4000 घंटे का वॉच टाइम रही है। तो कुल मिला के बात ये है कि प्रोग्रेस हुई है, ऐसा नहीं है प्रोग्रेस नहीं हुई है। जैसे ही मैं प्रिपेयर हुआ तो रिसेशन आ चुका है, आपको पता ही होगा। तो कुल मिला के बात ये है, ट्विट्स एंड टर्न्स बहुत ज़्यादा हैं लाइफ में और वो मेरे साथ चल रहा है, तो जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको देता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं बात करने हूँ रिसेशन के बारे में, क्योंकि रिसेशन बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। क्योंकि आपने देखा होगा कोविड आया जॉब से निकाल दो, रिसेशन आया जॉब से निकाल दो, कुछ भी हुआ जॉब से निकाल दो, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। और फनी चीज़ ये है कि मैंने खुद अपनी चॉइस से ये जॉब छोड़ी थी 4 महीने पहले, तो अब रिसेशन आ गया है। तो मज़ेदार चीज़ है कि रिसेशन आया क्यों, कैसे आया, वो समझाता हूँ आप। फिलहाल तो थोड़ा सा खाना वाना बना लूँ फिर बात करता हूँ। बात ये है कि जब अभी रिसेशन आया है तो मैं जैसे बोल रहा था आपको कि दो वजह हैं। एक तो है कि अभी जो रिसेशन आया हुआ है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप देखोगे गूगल ने बहुत मास फायरिंग करी, गूगल ने फायरिंग करी तो अमेजोन ने भी फायरिंग कर दी। गूगल अमेजोन इतने बड़े जायंट्स हैं कि उन्होंने जब फायरिंग करी तो सब ने शुरू कर दी लोगों की जॉब को से फायर करना। स्नोबॉल इफेक्ट है ना, इसको समझो। स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है मालूम है? स्नोबॉल इफेक्ट होता है कि बहुत कोई एक जगह पे कोई एक्टिविटी होती है, उसका इम्पैक्ट फिर सारी दुनिया में आना शुरू हो जाता है या सारी जगह आना शुरू हो जाता है। आपने सुना ही होगा अमेरिका में वो बैंक का वो प्रॉब्लम हो गया, प्लस हर कुछ सालों में रिसेशन वाला पीरियड आता ही है ना। बात यह है कि अभी आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा आईटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम पे थी, राइट। आईटी इंडस्ट्री में क्या हो रहा था कि बहुत ज्यादा मास में हायरिंग थी, क्यों? क्योंकि मार्केट बंद थे और जॉब पे लोग जा नहीं पा रहे थे और आईटी पे डिपेंडेंसी पूरी ओवरऑल मार्केट की बहुत ज्यादा बन गई थी, बराबर। अब जब मार्केट खुल चुकी है, 1 साल हो गया पूरी तरीके से लोगों को सेटल डाउन होने में, बिजनेसेस को वापस से अपनी जगह आने में, और जो वर्कर्स थे या जो भी पूरी ग्लोबल मार्केट थी वो अपनी जगह आ चुकी है, तो आईटी की जो डिपेंडेंसी है बाय डिफॉल्ट अचानक से डाउनफॉल करेगी, बराबर। अब अचानक से जब इंडस्ट्री की पूरी पूरी रिक्वायरमेंट डाउनफॉल होती है, नो डाउट ग्रोथ करेगी, बट जो एबनॉर्मल ग्रोथ हुई थी है ना, गूगल के, यूट्यूब के, स्लैक चैनल था, इतने सारे प्लेटफॉर्म थे, जूम कॉल वगैरह थी, क्यों? क्योंकि जरूरत थी उसमें, उसमें कोई ऑफिस ही नहीं जा पा रहा है तो मजबूरी में हर किसी कंपनी को अपना बिजनेस शिफ्ट करना पड़ा आईटी पे, और हर एक बिजनेस जो था इंडिविजुअल, चाहे रिटेल हो चाहे ई कॉमर्स हो, हर जगह आईटी की डिमांड बहुत ज्यादा पड़ गई, बराबर। अब मार्केट खुल चुका है, तो बाय डिफॉल्ट ये रिक्वायरमेंट एकदम से डाउनफॉल हुई। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि नया सेशन आने वाला है, या फिर आप कह लो इंडिया में तो नया वित्त वर्ष आने वाला है, बराबर। अब उसमें क्या होगा कि हर एक कंपनी अपने अपने खर्चों को देखेगी, अपने अपने प्रॉफिट्स को देखेगी और अपने करेक्शंस करेगी। करेक्शंस कैसे? करेक्शंस करेगी वो अपने प्रॉफिट एसेट वर्सेस लायबिलिटी में। अब मान लो एसेट्स जो भी उसके हैं कंपनी के, ठीक है, जो भी कंपनी के एसेट्स हैं या जो भी आप ऐसे करें प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट चेक किया पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रॉफिट कम हुआ। अच्छा सॉरी, हाँ थोड़ा सा लाइट चली गई थी और मैंने पॉज का जो बटन है वो भी मतलब दबा करके छोड़ दिया था, रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया। तो अच्छा मैं ये बता रहा था कि अभी जॉब गई हो या ना गई हो, दोनों केसेस में अगर रिसेशन आया है तो भाई साहब नंबर लगेगा आपका भी, है ना। तो प्रिपेयर करके रखो कि कुछ ना कुछ बैकअप हो आपके पास में, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो भी आईटी के स्किल्स हैं उन स्किल्स का यूज करके आप अपने लिए फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ढूंढना शुरू कर दो, बड़ा काम आएगा दोस्त। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स में फायदा ये है, चेक कर लेना अपनी कंपनी की पॉलिसी जहाँ पे काम कर रहे हो, है ना, कि वो अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स करना बहुत फायदेमंद होगा। आप बोलोगे कि फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट मिलेंगे कहाँ पे आपको, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट करने के लिए, अगर आप करना चाहते हो जेन्युइनली। तो उनमें से अपवर्क हुआ, फाइवर हुआ, ये सारे इस तरीके के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म को चेकआउट कर सकते हो। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स उठाओ, कोशिश करो कि आप अपने स्किल्स का यूज़ करते हुए जिस सेगमेंट में हो उस सेगमेंट में अपने डिजिटल प्रेजेंस बनाओ। दूसरा मैं ये बोलूँगा कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दो थोड़ा सा, क्योंकि आज के टाइम पे ब्रांड
वैल्यू जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो फिर आप अपनी ब्रांडिंग करो और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इसमें। तो खुद की अगर ब्रांडिंग कर सकते हो तो ब्रांडिंग करो, कंटेंट बनाना सीखो, जो भी स्किल्स हैं आपके, जो भी चीज़ें आप जानते हो, उन स्किल्स का यूज़ करते हुए आप कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आओ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको वेलकम किया जाएगा। बस ये है, स्टोरी टेलिंग थोड़ी सीख लो, एडिटिंग के लिए या तो सीख लो या हायर कर लो, दोनों में से कुछ भी चलेगा। और इस तरीके से आपको फ़ायदा ये होगा कि जॉब पे जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। आपके मल्टीपल अर्निंग सोर्सेज होने ही चाहिए। आप बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, लोग हैं जो इस बारे में आपको ज्ञान देते हुए मिलेंगे, आप उनसे सीखिए, है ना। अच्छा, नेक्स्ट मैं ये बोल रहा हूँ कि यार देखो, जॉब का प्रॉब्लम क्या है ना, जॉब का प्रॉब्लम ये है कि आप ठीक है एक टाइम तक सस्टेन कर सकते हो, आप एक क्यूबिकल में फंसे रह करके आपको एक फिक्स्ड इनकम आएगी, बट अगर आपके सपने बड़े हैं और आप ग्रोथ करना चाहते हो तो सिर्फ जॉब करके कोई काम नहीं चलेगा, आपको साइड हसल कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं भी आप अपनी फॉलोइंग बढ़ाइए। फेसबुक पे भी आज देखते हो कि आपके सेम प्रोफाइल जहाँ पे फ्रेंड सर्कल के लिए यूज़ होती थी वो अब आपके फॉलोअर्स के लिए यूज़ होती है, यानी कि अगर आपके पास फॉलोअर्स हैं, राइट, आपने अच्छा कॉन्टेंट दे दिया या आपको लोग फॉलो करते हैं एक अच्छे नंबर में, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप उनको यूज़ करके अर्निंग सोर्सेज बढ़ा सकते हो। 9 to 5, 9 to 6 जो चलता है सर्कल, रैट रेस जो चल रही है, इसमें फंसे रह करके फ़ायदा कुछ है नहीं, उम्र निकल जाएगी और आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो सारे ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। मुझे रियलाइज़ हुआ, लगभग 11 साल मुझे लगे ये चीज़ रियलाइज़ करने में, या फिर रियलाइज़ मुझे पहले हो गया था, मैं ये कहूँ, वो हिम्मत दिखाने में मुझे 11 साल लग गए, है ना। तो आपके पास देख लो आप किस मुकाम पे खड़े हो, किस टाइम पे खड़े हो, कितनी जिम्मेदारियां हैं, जो भी जिम्मेदारियां हैं उनके हिसाब से डिसीजन लो। अगर जॉब छोड़ सकते हो, आपके पास इतना बैकअप है कि आप छोड़ के कुछ और कर सकते हो, डेफिनेटली यू शुड डू इट। अगर बैकअप नहीं है या फिर अगर आपको लगता है कि कोई साइड इनकम आप जनरेट कर सकते हो तो बेटर ये है, पहले साइड बिजनेस अपना इस्टेब्लिश करो, पहले साइड में जो भी हासिल कर रहे हो वो इस्टेब्लिश करो, और एक बार जब वो इस्टेब्लिश हो जाए उसके बाद आप अपनी जॉब छोड़ दो। जब आपकी जॉब से आपको उतनी अर्निंग होने लगे जितनी कि आपकी जॉब में हो रही है, उससे ज़्यादा आपको ग्रोथ दिखने लगे, तो आप डेफिनेटली जॉब छोड़ करके अपने उस ड्रीम को, उसमें पैशन को फॉलो करो। क्योंकि यार देखो, रिसेशन हुआ, ये जॉब से निकालना हुआ, ये सब लगा रहेगा, मतलब कुछ कर नहीं सकते हम और आप, है ना। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इस चीज़ की कि ये जो कंपनीज है ना कभी सोचेंगे नहीं आपके बारे में, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि उनका प्रॉफिट बन रहा है नहीं, राइट। इंडियन कंपनीज हैं, TCS, इन्फोसिस, ये सारी सोचते हैं एम्प्लॉयज़ के बारे में, लेकिन ऐसी कितनी कंपनी और ऐसे कितने लोग हैं, क्या सबको तो जॉब नहीं मिल जाएगी ना TCS में? और ऐसा भी नहीं है कि सबको इतने बड़े पैकेज मिल जाएंगे कि एक बार 2 साल काम कर लिया और फिर इतना सेविंग कर ली कि आप बढ़िया से आराम करो। एक तो प्रॉब्लम ये है कि पैकेज इतने कम दिए जाते हैं, जितने पे आप सर्वाइव कर पाओ बस उतना ही मिलता है ना। वो माइंडसेट है, कुछ कर नहीं सकते उसका, तो इट्स बेटर कि दूसरों को बदलने ऐसा अच्छा है, अपने लिए कुछ देखो। रिसेशन के बारे में मुझे यही बताना था, तो बस ये रिकॉर्ड करके मैंने एक कैजुअल वीडियो डाला हुआ है, और यूट्यूब पे मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, देखता हूँ मेरी जर्नी कैसी रहेगी कि मैं इस रिसेशन में अपने आप को सर्वाइव करा पाऊँगा कि नहीं। मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं या फिर जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ मैं फ्रीलांसिंग में, उनमें भी इम्पैक्ट तो ज़रूर आएगा। अब देखना है उस इम्पैक्ट से कैसे निपटना है, जो फाइनेंशियल क्रंच आएगा उससे कैसे निकलना है, प्लस कैसे निकलूंगा मैं इस यूट्यूब का जो मेरी ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो पा रही है जितनी मैं चाह रहा था। डेफिनेटली वो क्राइटेरिया मैच नहीं कर पाया हूँ मैं अभी तक, और कितना टाइम लगेगा वो भी थोड़ा सा डाइसी लग रहा है मुझे। तो जो भी जर्नी रहेगी ऐसे ही कैजुअल वीडियोज़ भी बना करके मैं डालता रहूँगा आपके साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, और ट्रेनिंग वीडियो में डाल रखे हैं मेरे चावल पक्के, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी सप्लाई चेन या बिजनेस रिलेटेड कंटेंट देखना है, मैं यहाँ एंड स्क्रीन पर कहीं डाल दूंगा, आप ज़रूर वॉच करिए, ट्रेनिंग लीजिए। और आपको किसी भी टॉपिक पर ट्रेनिंग चाहिए तो डेफिनेटली बताना, बिंदास होकर के मैं आपको यहाँ पे कंटेंट डाल के दे दूंगा और आप उससे सीख सकते हो। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे।